असल क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स की आज हम एक्सरसाइज़ सेवन पॉइंट थ्री करेंगे सेवन पॉइंट टू तक मैंने आपको करा दिया था जो उसके लास्ट में थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपने बिल्कुल वैसे ही करने हैं जैसे मैंने सेवन पॉइंट टू के बाकी क्वेश्चंस कराए थे सेवन पॉइंट थ्री के रिड्यूस सिलेबस में हमने क्वेश्चन नंबर थ्री से स्टार्ट करना है और सेवन पॉइंट थ्री में जो आपको फार्मूला फॉलो करना है वो है फॉर परमोटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट और उसके लिए जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे वो एन फैक्टोरियल ओवर एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल जितने भी आपके पास डिफरेंट नंबर्स की आ रही होगी उन सारे नंबर्स के फैक्टोरियल अभी क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा इसके अलावा सर्कुलर परम्यूटेशन आएगा आपके पास इस एक्सरसाइज़ में सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए जो आप फार्मूला यूज़ करोगे वो आपको मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगी तो क्वेश्चन नंबर थ्री में आपने क्या करना है कि हाउ मनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अटैक्ट कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगिन विद सी एंड एंड विद के वर्ड अटैक में से अटैक्ट में से कितने डिफरेंट अरेंजमेंट के लेटर्स आप बना सकते हैं अगर हम सी को स्टार्ट में फिक्स करें और के को जो है वो एंड में फिक्स करें तो दो लेटर्स को यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है सेवन पॉइंट थ्री है ये क्वेश्चन नंबर थ्री रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं आपको करा रही हूं जो आपका न्यू अभी uh, जो है वो आपने फॉलो करना है एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री है ये और इसमें करना है आपने क्वेश्चन नंबर थ्री सबसे पहले तो वर्ड अटैक्ट के टोटल वर्ड्स कितने आपके पास इसके अंदर कितने टोटल अल्फाबेट्स हैं पहले तो आपने ये ध्यान रखना है अटैक्ट में ए डबल टी ए सी के ई डी तो इसके अंदर टोटल जो आपके पास है वो एट है अल्फाबेट्स लेकिन उन्होंने कहा है कि C को स्टार्ट में फिक्स करना है और K को हमने एंड में फिक्स करना है ठीक है तो ये आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा तो यहाँ पे क्या होगा कि C को स्टार्ट में फिक्स कर रहे हैं और K को हम एंड में फिक्स कर रहे हैं तो दरम्यान में आपके पास कितने लेटर्स बचे दरम्यान में आपके पास जो लेटर्स बचे दीज आर सिक्स ठीक है तो यहां पे अब आप देखें जो आपके पास एन होगा दैट विल बी सिक्स अब आप देखें कि हर डिजिट कितनी दफा रिपीट हो रहा है ए इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स वन टू टू टाइम्स फिर टी इज रिपीटेड कितने टाइम्स टू टाइम्स देन ई इज रिपीटेड वन टाइम फिर उसके बाद आपके पास क्या है डी इज़ रिपीटेड वन टाइम ठीक है तो आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी टोटल अरेंजमेंट्स जो आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स बनेंगी वो बनेगा एन फैक्टोरियल ओवर ये आपके पास एन वन है ये एन टू है ये एन थ्री है और ये आपके पास एन फोर है तो एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल एन थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन फोर फैक्टोरियल तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो क्या आएगा सिक्स फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय वन फैक्टोरियल तो जब आप इसे कैलकुलेटर से सिंपलीफाई करें या बाय हैंड सिंप्लीफाई करें ईजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा वन एटी तो टोटल आपके पास वन एटी अरेंजमेंट्स जो है वो इसमें बन सकती हैं इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम दीज डिजिट्स पहला सवाल तो ये बनता है इसके अंदर कितने सिक्स डिजिट हम इसमें से बना सकते हैं तो सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू जितनी दफा रिपीट हुआ है थ्री जितनी दफा रिपीट होगा फोर जितनी दफा रिपीट होगा उन सब के फैक्टोरियल फिर सेकंड पार्ट क्या है कि हाउ मेनी ऑफ देम विल लाई बिटवीन फोर हंड्रेड थाउजेंड एंड फोर थर्टी थाउजेंड तो पहला वाला इसका पार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फाइव का क्वेश्चन नंबर फाइव में आपके पास जो डिजिट्स दिए हुए हैं दीज आर अब इन डिजिट्स में से कह रहे हैं कि हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्मड तो टोटल आपके पास एन जो है वो सिक्स है एन वन ये टू बेसिकली हम एन वन जो क्या है टू इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स तो वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है टू टाइम्स फिर एन टू जो है वो थ्री की रेपिटेशन है रेपिटेशन ऑफ थ्री वो भी क्या है टू एन थ्री क्या है फोर की रेपिटेशन है वो भी आपके पास क्या है यहाँ पे टू तो टोटल सिक्स डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे हमारे पास टोटल सिक्स डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे हमारे पास एन फैक्टोरियल ओवर एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल एन थ्री फैक्टोरियल तो ये बनेगा सिक्स फैक्टोरियल ओवर टू का फैक्टोरियल टू का फैक्टोरियल टू का फैक्टोरियल यूज योर कैलकुलेटर यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स और कैलकुलेटर यूज करके हम जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो दैट इज नाइंटी अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो ये कह रहे हैं कि हाउ मैनी ऑफ देम ये जितने भी नाइनटी सिक्स डिजिट नंबर बने हैं इनमें से कितने जो हैं वो फोर हंड्रेड थाउजेंड और फोर थर्टी थाउजेंड के दरमियान लाए करते हैं किसके दरम्यान चेक करना है हमने फोर हंड्रेड थाउजेंड एंड फोर थर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड थाउजेंड एंड फोर थर्टी थाउजेंड के दरमियान तो डिजिट्स कौन कौन से हैं आपके पास डिजिट्स हैं टू टू थ्री थ्री फोर और फोर तो अगर हम क्या करें कि फोर और टू को फिक्स कर दें तो फोर और टू इस फोर्टी और फोर्टी थ्री के दरमियान बन रहा है और बाकी जो है वो आप फ्री प्लेसेस कर दें कितने डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5, 6. दो फिक्स हो गए तो ये चार प्लेसेस हो गए तो अगर हम फोर्टी टू को लेफ्ट पे फिक्स करें फिक्सिंग फोर्टी टू ऑन द लेफ्ट साइड तो हमारे पास जो नंबर्स की अरेंजमेंट कुछ इस किस्म की आ रही है वो फोर हंड्रेड थाउजेंड और फोर थर्टी थाउजेंड के दरमियान लाए करेंगे तो आपके पास यहां पे टोटल एन कितना बन गया अब एन is फोर क्योंकि ये फोर प्लेसेज हैं अब ठीक है जो फिल होनी है अब टू इज रिपीटेड टू एक दफा तो फिक्स हो गया ना तो कितने दफा यहाँ टू बच गया सिर्फ एक ही दफा बचा है तो यहाँ वन आ गया फिर थ्री इज रिपीटेड कितने थ्री रहते हैं टू फोर इज रिपीटेड कितने फोर रह गए एक फोर तो यूज हो गया तो एक ही फोर रह गया तो वो वन तो अब आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर्स बिटवीन रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स जो कि इन नंबर्स के दरमियान में होंगी वो कितनी होगी फोर फैक्टोरियल ये आपका एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल एंड एन थ्री फैक्टोरियल तो यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा ये ट्वेल्व तो ट्वेल्व डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं इन नंबर्स के दरियान में नेक्स्ट अब आपका जो क्वेश्चन है जो आपके रिड्यूस सिलेबस में आपने करना है वो है क्वेश्चन नंबर सिक्स इलेवन मेंबर्स ऑफ अ क्लब फॉर्म फोर ऑफ कमेटी फोर टू टू कमेटी फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज इलेवन मेंबर्स हैं आपके पास ठीक है और कितनी कमेटीज बनानी है फोर कमेटीज कितने कितने मेंबर्स की थ्री मेंबर्स की हो सकती है फोर मेंबर्स की हो सकती है टू और टू की नो मेंबर इज अम्बर मेंबर ऑफ मोर देन वन यानी एक मेंबर को दूसरे कमेटी में नहीं डाल सकते एक ही कमेटी में आएगा तो हमें नंबर ऑफ कमेटीज फाइंड करनी है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स में अब आपके पास कितने हैं आपके पास एन टोटल इलेवन इलेवन मेंबर्स है ना आपके पास फोर कमेटीज है कितने मेंबर्स हैं? थ्री फोर टू एंड टू फोर कमेटीज हैं ठीक है थीके? और उनके अंदर कितने मेंबर्स हैं थ्री मेंबर्स हो सकते हैं फोर मेंबर्स हो सकते हैं टू मेंबर्स हो सकते हैं और टू तो ये आपके पास एन वन है ये एन टू है ये एन थ्री है और ये एन फोर है तो नंबर ऑफ कमेटीज हमारे पास कितनी बन सकती हैं नंबर ऑफ कमेटीज जो हमारे पास बन सकती हैं वो है एलेवन फैक्टोरियल ओवर थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल तो आंसर आपके पास आया यहां पे सिक्स नाइन थ्री हंड्रेड ठीक है कैलकुलेटर यूज करके आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो आपने क्या है टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी बता रहे हैं इलेवन डिस्ट्रिक्ट मीट टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन दियर डिस्ट्रिक्ट इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल अब राउंड टेबल की बात आ गई है वेन टू पर्टिकुलर डी सी ओज इंसिस्ट ऑन सिटिंग टूगेदर अब दो जो डी सी ओज हैं ना वो एक दूसरे के साथ बैठने पर इंसिस्ट कर रहे हैं यानी दो डी सी ओ एक डी सी ओ जस्ट लाइक फ्रेंड्स कि दो डी सी ओज फ्रेंड हैं और उन्होंने एक साथ बैठना है यानी एक वो जो एक डी सी ओ अगर कहीं बैठेगा तो दूसरा उसके साथ ऑटोमेटिकली साथ बैठेगा एक अगर हमने उसको फिक्स कर दिया तो दूसरा उसके साथ ऑलरेडी आ जाएगा ठीक है तो अब उसकी कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं वहाँ पर तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सेवन राउंड टेबल की बात कर रहे हैं तो अब हमारे पास परम्यूटेशन पी की बात आ जाएगी ठीक है और मल्टीप्लीकेशन में आएगा अब ये अब हमारे पास क्या है बेसिकली दो पर्टिकुलर डीसीओज जो हैं वो एक साथ बैठने पे इंसिस्ट कर रहे हैं और टोटल हमारे पास कितनी है इलेवन डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीओज हैं हर डिस्ट्रिक्ट का एक डीसीओ होगा ठीक है अच्छा अब हो होगा क्या हमारे पास कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेज जो हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ वे इलेवन में से जब दो आपके पास निकल जाएंगे डी तो ये बनेगा आपके पास नाइन पी नाइन बाकी नाइन की डीसी की अरेंजमेंट बनेगी मल्टीप्लाई बाय वो जो दो डी आपके पास जो फिक्स हो गए हैं दैट विल बी टू पी टू ठीक है राउंड टेबल की बात आ गई है दो डी जो है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे फिक्स हो गए तो नाइन पी टू नाइन पी नाइन मल्टीप्लाई बाई टू पी टू आ गया तो यहां पे नाइन पी नाइन का आप कैलकुलेटर से आंसर फाइंड करेंगे कैसे फाइंड करेंगे यहां हम लिखेंगे नाइन ठीक है फिर शिफ्ट दबाया ये आपके पास पी का बटन है इसके ऊपर लिखा हुआ है ना पी इसको दबाया तो यहां पी आ गया फिर उसके बाद दोबारा नाइन प्रेस किया इक्वल तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ थ्री सिक्स टू एट एट जीरो मल्टीप्लाई बाय टू पी टू का आंसर तो टू पी टू तो ये हमारे पास आ जाएगा टू तो आंसर आया हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ वेस का सेवन टू फाइव सेवन सिक्स जीरो ठीक है अब आ जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमने करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर में कह रहे हैं द गवर्नर ऑफ द पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ अग ऑफिसर्स इन हाउ मेनी वेज कैन कैन बी बी दे सीटेड एट अ राउंड राउंड टेबल टेबल की बात आ गई है ट्वेल्व ऑफिसर्स को सीटिंग अरेंजमेंट में राउंड टेबल में हमने रखना है और किसी को फिक्स करने की जरूरत नहीं है जैसे पीछे फिक्स किया था तो हमें मल्टीप्लीकेशन में लाना पड़ा था उसको अब हम सिंपल सिंपल हम वहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे राउंड टेबल का एन माइनस वन फैक्टोरियल का जब भी आपके पास राउंड नेकलेस की बात आए राउंड रिंग की बात आए राउंड टेबल की बात आए तो एन माइनस वन फैक्टोरियल की बात आती है क्योंकि वहां हम कुछ फिक्स नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर एट में हमारे पास कितने हैं हमारे पास जो जि, जिनको हमने ऑफिसर्स हैं वो हमारे पास ट्वेल्व ऑफिसर्स हैं तो अरेंजमेंट्स हमारे पास कितनी बनेगी एन माइनस वन फैक्टोरियल ये राउंड के टेबल की वो होता है ये राउंड के लिए होता है फॉर्मूला तो जाएगा ट्वेल्व माइनस वन फैक्टोरियल तो आंसर हमारे पास यहाँ पे इलेवन फैक्टोरियल का 39916800. ठीक है इसके बाद जो आपने करना है वो क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या करना है कि फातिमा इनवाइट्स फोर्टीन पीपल टू डिनर देयर आर नाइन मेल्स एंड फाइव फीमेल एट टू डिफरेंट दैट गेस्ट ऑफ वन सेक्स सिट एट वन राउंड टेबल एंड द गेस्ट ऑफ द टेबल यानी कि आपके पास नौ मेल फाइव फीमेल्स हैं एक टेबल पे आपने मेल्स को रखना है और एक टेबल पे आपने जो सिटिंग करवानी है वो फीमेल्स की करवानी है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गेस्ट आर सिटेड तो क्वेश्चन नंबर नाइन में हम क्या करेंगे अच्छा अब क्वेश्चन नंबर नाइन में हमारे पास क्या है कि मेल्स कितने हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स आर नाइन एंड नंबर ऑफ फीमेल्स आर फाइव ठीक है अब यहां पे हमारे पास क्या है इन्होंने कहा है कि एक टेबल पे मेल्स आएंगे और दूसरे टेबल पे हमारे पास क्या आएंगी फीमेल आएंगी यानी अगर एक मेल फिक्स हो गया कहीं पे किसी भी टेबल पे या इस पे या इस पे एक मेल बैठ गया तो बाकी सारे मेल ही बैठेंगे अगर एक फीमेल कहीं बैठ गई तो बाकी सारी फीमेल ही बैठेंगी यानी एक फिक्स होगा तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली वहां आ जाएंगे तो यहां कितने बच जाएंगे बाकी एट और यहां कितने बच जाएंगे बाकी फोर तो हमारे पास यहां पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या बनेंगे नंबर ऑफ वेज जो हमारे पास बनेंगे वो क्या बनेंगे एट पी एट मल्टीप्लाई बाय फोर पी फोर तो आंसर आएगा यहां पे नाइन सिक्स सेवन सिक्स एट नंबर ऑफ पेज ठीक है अच्छा फिर इसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन में आपको एज as असाइनमेंट दूंगी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर नाइन के अकॉर्डिंग है ये आपने खुद करना है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच फाइव मैन फाइव वुमेन कैन बी सिटेड एट अराउंड टेबल इन सच अ वे दैट नो टू पर्सन ऑफ द सेम सेक्स सिट टूगेदर यानी कि मेल के साथ फीमेल ना आए अच्छा सेम सेक्स यानी कि दो मेल इकट्ठे ना आ जाएं या दो फीमेल इकट्ठी ना आ जाएं इस तरह से आपने अरेंजमेंट्स बनवानी है तो क्वेश्चन नंबर टेन एज एन असाइनमेंट आपके लिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे आ जाएं हाउ मेनी नेकललेसेज कैन बी मेड फ्रॉम सिक्स बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर नेकलेस क्या होता है सर्कल होता है राउंड होता है तो सिक्स बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स के हम कितने नेकलेस जो हैं वो बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में तो यहाँ पे अब आपके पास टोटल जो एन है दैट इज सेक्स राउंड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे नेकलेस में क्या होगा क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जब भी नेकलेस या रिंग की बात आती है तो यहां हम फार्मूला यूज करते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू तो यहाँ पे एन क्या है आपके पास सिक्स एन इज सिक्स तो नंबर ऑफ वेज आपके पास कितने बनेंगे यहां पे या नंबर ऑफ नेकलेसेस कितने बनेंगे सिक्स माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू यानी फाइव फैक्टोरियल के आंसर को किससे डिवाइड करना है टू से तो यहाँ आंसर आ जाएगा सिक्सटी तो ये आपकी एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री एंड हो गई इसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फोर पे जिसमें कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आएंगे